हमारा सौभाग्य है कि हम पद्मश्री सम्मानित शीश राम जी से मुलाकात कर पा रहे हैं, जिन्होंने 40 साल से ज़्यादा इंडियन आर्मी को दिया है। मैं पद्मश्री शीश राम, भारतीय थल सेना के अंदर 40 साल तक मैंने सेवा किया, भारतीय गवर्नमेंट का 40 साल तक सेवा किया है। 1968 में मैंने रिक्रूटमेंट लिया, 2007 में मैंने सेवानिवृत्ति हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद भी मैंने अपनी चित्रकला को जागृत रखा। चित्रकला तो इंडियन आर्मी के अंदर जितनी बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी हैं उसमें ज़्यादातर आर्ट गैलरियों के अंदर जो वार होते हैं, जो 65 वार, 1948 वार, 99 वार, 1971 वार होते हैं, उसमें जो फौजी जवानों, जो उनके टैंक होते हैं, उनके इक्विपमेंट होते हैं, वेपन होते हैं, उनको वार करने के लिए स्टडी करना पड़ता है, चेक बैग और फीडबैक, तो उन गाड़ियों को हम ए व्हीकल और बी व्हीकल गाड़ियों को रिपेयरिंग कर देते। ट्रेनिंग सेंटर, जो इंडियन आर्मी के जो ट्रेनिंग सेंटर होता था उसके अंदर भी टेक्निकल ड्राइंग सिखाते हैं। टेक्निकल ड्राइंग सिखाने का मतलब इक्विपमेंट की टेक्निकल ड्राइंग। तो हमने ये करते करते, पहले तो हम एक सोल्जर हैं, इसके बाद में हम सोल्जर के साथ में एक टेक्नीशियन है, और टेक्नीशियन के साथ साथ अपना वर्क असेसमेंट, मतलब है कि इसके बाद जब आपका प्रमोशन हो जाता है आप उन जवानों से काम करवाएंगे। तो आज तो आपके सामने कैमरे भी हैं, फोटोग्राफर भी। उस ज़माने में 1968 से पहले कोई कैमरा नहीं होता था, कोई फोटोग्राफ नहीं होती थी। उस समय जो जवान लड़ाई के अंदर डेथ हो रहे हैं या आवाज़ दे रहे हैं, मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ या मैं क्या करूँ, मेरे हालत क्या हो गए, मेरी तो अभी शादी होकर आया था, मैनी प्रॉब्लम इन क्रिएशन ऑफ द जवान। तो उस समय उसके जो एक्शन मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूवमेंट, उसके लेआउट सिस्टम, उसका ब्लड डोनेशन, उससे हमारे दिमाग में एक अफेक्ट पड़ा, उससे हमने उनको जीवित किया, पेंटिंग बना के जीवित किया। जब जीवित किया तो उन जवानों ने जो काफ़ी 80 साल की उम्र हो गई, विजय डे पर जब आते थे उन पेंटिंग को देखते थे, 80 साल का उम्र के, कहाँ 20 साल 25 साल की उम्र के अपनी पेंटिंग देखते हैं, कितने खुश हो जाते थे। और हमने वो पेंटिंग बनाई, आर्मी कमांडरों ने भी मुझे बहुत सम्मान दिया, इंडियन आर्मी कोर ऑफ ईएमई में बहुत सम्मान दिया। इसके बाद में मैंने रिटायरमेंट के बाद 16 साल से नेशनल इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 50 पेंटिंगें निर्मित अपने हाथ से पेंटिंग के द्वारा बनाई है। ये आपके सामने पेंटिंग है, ये जितनी भी पेंटिंग है, अभी मेरी लेटेस्ट पेंटिंग ये सब लेआउट है यहाँ पर। दूसरी पेंटिंग इस साइड में, वो भी मैंने तैयार किया है, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये टू चंद्रयान टू और चंद्रयान टू का, तीन का मैंने सारा लोकेशन दिया है, कैसे पृथ्वी से निकलना बहुत मुश्किल। अभी जो हालिया में घटना हुई है, चाहे अनंतनाग में जो हमारे जवान हैं वो बलिदान हुए हैं, या जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं जिससे कि हमारे कई जवान जो हैं वो बलिदान हो गए, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए जी, दुख तो मुझे भी होता है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक फ़ौजी आदमी हूँ और मेरी भी फ़ौजी आदमी हूँ, तो मेरी लड़की भी इंडियन आर्मी में है, मेरा दामाद भी इंडियन आर्मी में है। देखिए दुख तो होता है, ये दुश्मन तो कहीं भी चले जाओ, आप परिवार में ले लो, परिवार के बाहर ले लो, तो यहाँ भी आपके आस पास जीने नहीं देंगे, आपको जीने नहीं देंगे। ऐसे राष्ट्र के लिए जो अच्छे काम करते हैं उनको भी जीने नहीं देते कि ये मिसगाइडनेस की वजह से इनको ख़त्म कर दिया जाए। मिसगाइडनेस, वो असर कहाँ पड़ा? उन गरीब जवानों के ऊपर पड़ा, वो मारे गए। वो किसकी वजह से मारे गए? वो जो देश के अंदर, अंदर की तरफ देश में ऐसे उग्रवादी पैदा हो जाते हैं जिससे कि वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो ये सोचते हैं, अगर उनको समझाए, उग्रवादियों को समझाए, भैया हमारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे मारने वाले दूसरे उग्रवादी तुम्हारे पाकिस्तान के हैं, तो उनको समझाए कौन? भारत समझाता है, तो भारत तो एकदम अच्छी तरह उनको समझाता है, लेकिन समझाने वाली बात नहीं है, न समझने के कारण ये हादसे हो रहे हैं हमारे भारत के अंदर। अगर उनको भी समझा, भाई उग्रवादी हम नहीं हैं, तुम्हें किसने गलत ट्रेनिंग दे दी? उग्रवादी तुम्हारे पीछे वाले हैं। तब वो अगर पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे ही अपने, तो उसको पिक्चर दिखाई जाए तो ऐसे उग्रवाद ऐसे भारत के अंदर हादसे नहीं होंगे। अगर हम असली पिक्चर दिखा दें उनको, उनके दिमाग 10-10 साल से 20-20 साल से खाना खा के और उनके गीत गाते गाते वो दिमाग में बाढ़ बैठ जाती है, वो एक धुन मारो ही मारो।